एक वीडियो मैंने बनाया अंकिता सिंह की जो मौत हुई है उसके ऊपर, बहुत सारे लोग जो है ना बिलबिला उठे। इनको एक चीज़ का बुरा लगा कि विनय दुबे ने शाहरुख और अंकिता की मोहब्बत को पब्लिकली क्यों दिखा दिया। अरे किया वो लोग ने प्यार, करते थे एक दूसरे से, इसको आप कैसे झुठला सकते हो। अंकिता को शाहरुख पसंद था, शाहरुख का पसंद था, तो लड़की है, स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, कोई भी चॉइस कर सकती है। अभी तुम लोग को मुसलमानों से नफरत है तो इसका मतलब तुम्हारी बहनों को भी मुसलमानों से नफरत है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा होता तो कितने केसेस देखे हमने, गोरखपुर का दिलशाद, लोग र्यूमर उठा रहे थे कि एक सैनिक ने बेटी के बलात्कार के एवज में गोरखपुर के कोर्ट के अंदर दिलशाद को गोली मारकर हत्या कर दी, हमें बहुत गर्व है। बाद में केस क्या निकला, दिलशाद ने उस हत्यारे के बेटी के साथ शादी किया था, आर्य समाज के रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से शादी किया था, बेंगलोर या कर्नाटका किधर किया था। ये फोटो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये दिलशाद और उसकी वाइफ का है जिसके बाप ने दिलशाद को गोली मारकर हत्या कर दी। ये जो सोशल मीडिया के जो उंगली घसने वाले 2 रुपया टिटपुटिया हैं, ये बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि एक बाप ने मुसलमान को गोली मार दिया बलात्कार के केस में। अरे वो हस्बैंड वाइफ थे, बलात्कार नहीं होता शादी के बाद, प्रॉपर काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज वो बाप क्या हुआ, दिलशाद भी मर गया, बाप जेल में 302 की सज़ा काट रहा है, आजीवन उधर ही लटकेगा, सड़ेगा, बेटी किधर। और ये जो टिटपुटिया उंगली घसने वाले थे आज भी उधर ही बैठे हैं भीख मांगने न्याय के लिए अपनी ही सरकार में। बहुत तरस आता है ये लोगों पर। इन्होंने चुन चुन के पैर घस घस के, चप्पल घस घस के, उंगली घस घस के सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई, बहुमत की सरकार बनाई, और अपने ही सरकार में कटोरा लेके भीख मांग रहे न्याय के लिए। झूठ आप हटा नहीं सकते ना, आप कितना भी आँख मूंद लो, वो शुतुरमुख के जैसे कितना भी जमीन में रेत में मुंह घुसा लो कि दुनिया को नहीं दिख रहा है, आँख बंद कर दो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं है, हकीकत हकीकत ही रहेगा। अंकिता सिंह शाहरुख से मोहब्बत करती थी, उस वाला भी मोहब्बत करती थी। मैं किसी का चरित्र हनन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है उसे आप हटा नहीं सकते। ये कोर्ट में आएगा कि किस लेवल के संबंध थे आपस में, प्रेम त्रिकोण में हत्या हुई कि माँ बाप ने, माँ तो है ही नहीं बिचारी की, बाप ने ऑनर किलिंग कर दी, वो तो कोर्ट में आएगा। लेकिन तुम लोग कौन होते हो जज बन के किसी को फैसला दिखाने के लिए, नहीं जो हम बोलेंगे शाहरुख को ही जलाना है तो शाहरुख को ही जलाएंगे, क्या पता इसके बाप ने ही मार दिया हो ऑनर किलिंग में, समाज में नाक कट रही थी हमारी, उसको बचाने के लिए हमने अंकिता को जला दिया, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गोरखपुर में देखा हमने बलात्कार के आरोपी को बाप ने गोली मारी, बाद में क्या पता चला वो आरोपी नहीं था, दामाद था उसका। प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोगों को मुसलमानों के ऊपर गुस्सा निकालना है, या अंकिता उनकिता को इंसाफ दिलाने में तुमको कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम लोगों को केवल मुसलमान टारगेट करना है। इसके लिए ना अंकिता के शव के ऊपर सोचो कितनी गंदी राजनीति करने वाले ये लोग हैं। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए तो वो साइड हो गया मामला। ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, मुसलमानों को तबाह कर दो, इस्लाम खत्म कर दो, लव जिहाद में मुसलमानों की कुर्बानी करो। अंकिता के केस में मुसलमान बहिष्कार इस्लामिक का क्या लेना देना है, मतलब आप धर्म देख के न्याय करेंगे, और ये जो बोलेंगे वो फैसला नहीं मानता उखाड़ लो, तुम्हारा फैसला मेरे घंटे पे। न्यायालय जो फैसला करेगा वो सबसे महत्वपूर्ण और उसको सलाम है। तुम्हारे जैसे रोज गटर छाप आके फैसला देने लगेंगे ना तो देश बर्बाद हो चुका है। मीडिया ट्रायल में फैसला नहीं होता मेरे भाई, अगर सोशल मीडिया नहीं होती ना पता नहीं देश को किस जहन्नुम में, किस गटर में फेंक के चले आते ये लोग। और करो ना, किसने रोका है, आंदोलन करो, आवाज उठाओ, लेकिन इंसाफ दिलाओ, ध्यान मत भटकाओ, मुद्दा मत भटकाओ, या तो खुले तौर पे आओ कि मुसलमानों के सामने आमना सामना करना है। अबे सोचो यार, 110 करोड़ की हिंदू आबादी और हिंदू कतरे में शर्म आती है क्या, बोलते हुए भी शर्म आती है क्या। हम इंटरनेशनल लेवल पे ये दिखा रहे हैं कि हम 110 करोड़ होके भी हमारी फटी पड़ी है 25 करोड़ मुसलमानों से, इतने सारी यूनिवर्सिटी होते हुए भी हमें मदरसे से खतरा है, तो क्या फ़ायदा इसे बहुमत के सरकार का।
क्या फायदा वो बाहुबली चाणक्य अमित शाह का, क्या फायदा वो फायर ब्रांड इंटरनेशनल विश्व गुरु नेता नरेंद्र मोदी का, जब इतना बड़ा कैबिनेट इतना बहुमत होने के बाद भी फटी पड़ी है तुम्हारी, मुसलमानों से तुमको खतरा लग रहा है तो शर्म डूब मर हो रहे किधर जाकर। विनय दुबे छाती ठोक के बोलता है देश का हिंदू सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, देश का मुसलमान उतना ही स्वतंत्र है, ये देश का संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, सब भारतीय हैं, तुमको नहीं पसंद है मरवाओ अपनी जाके, किसने रोका है, ठंडा पिएगा ले, जिसकी जली पड़ी है ना थोड़ा पी ले, मजा आएगा भाई। तुम्हारी सरकार है, मैं पूछता हूँ तुम्हारे क्या उखाड़ लिया मुसलमानों का, आर्थिक बहिष्कार करोगे, चलो करो, आज के बाद भोसड़ी वाला कोई भी पेट्रोल यूज नहीं करेगा, पेट्रोल भारत में नहीं पैदा होता, इस्लामिक देशों से आता है, जिस महात्मा गांधी से तुमको नफरत है भोसड़ी वाले, वो रुपया यूज नहीं करना तुम, मान जाऊंगा मैं तुम्हें एक बाप की औलाद हो, वरना बहिष्कार शब्द का नाम मत लेना, अगर तुम्हारे पिछवाड़े दम होगा ना आज के बाद पेट्रोल मत यूज करना भोसड़ी के, पैदल जाना जिधर जाना है, इस्लामिक बहिष्कार करेंगे, तुम्हारे बाप जाते उधर बिरयानी खाने को इस्लामिक जगह पे, तब नहीं याद आता है तेरे को, वो बड़ा उसका पिल्लू दुश्मन देश के सेना अध्यक्ष के साथ बैठ के खाना खाएगा, वो चल जाएगा इन गद्दारों को, लेकिन अगर कोई सरकार से सवाल पूछ ले, दो चार प्रश्न खड़ा कर दे तो देशद्रोही गद्दार, इनका बाप जाके उधर बिरयानी खा के आएगा जहाज उतार के, वो देशभक्त है, और इसका जो छोटा पिल्लू है वो जाके उधर बैठ के पाकिस्तान के साथ में आराम से क्रिकेट मैच देखेगा, इसी रूम में मिठाई खिलाएगा एक दूसरे को, वो देशभक्त है, और मत करो ये सब रे हिंदू मुसलमान, तुमसे होगा नहीं, तुम्हारे बाप दादा भी उखाड़ लिए, रगड़ रगड़ के तुम लोग भी उखाड़ लो, तुम्हारी आने वाली 500 पुश्ते 500 पुश्ते भी रगड़ेगी ना ये हिंदुस्तान में, तो भी एक नहीं उखड़ेगा किसी का, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा धरती बनी है तब से चला है, आगे आजीवन चलेगा, तुम जैसे जो जमात है ना आटू झाटू जमात, वो कितनी आई और चली गई, जो गांड के अंदर नफरत लेके घूमते हैं, आज भी मोहब्बत करने वालों का ये हिंदुस्तान है और हमेशा रहेगा, बिल्किस बानो के टाइम पे टोपा मुंह में ले लेते हो, अंकिता सिंह पे न्याय चाहिए, क्यों वो जो बाहर जो 11 बलात्कारी छूट के आए वो जीजा लगते क्या तुम्हारे, चढ़ता था क्या कि उनका मीठा लग रहा है, और अंकिता सिंह का शाहरुख का कड़वा है भाई, नाम का फर्क है रे, तुम्हारे जैसे ना हमेशा भीख मांगते ही रह जाएंगे, हमारे लिए अंकिता सिंह को भी न्याय उतना ही ज़रूरी है जितना बिल्किस बानो को है, न्याय व्यवस्था अलग अलग नहीं, संविधान एक ही है, सबके लिए न्याय बराबर है, वहाँ पे जात धर्म नहीं देखा जाता, वहाँ आरोपी आरोपी ही होता है, चाहे शाहरुख हो चाहे 11 बलात्कारी भी संस्कारी, थोड़ा समय जाने दीजिए, अंकिता केस में आपको पता चल जाएगा कि किस वास्ते किसने हत्या की है, बहुत जल्द इसका खुलासा खुद पुलिस और सरकार प्रशासन अपनी जांच में कर देगी।